नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल जंगली मेडिसिन रिव्यू में। आज की वीडियो में हम आपको गुड़हल के पौधे के औषधीय प्रयोग बताने वाले हैं। यह प्रयोग बहुत ही दुर्लभ है तथा इतने लाभकारी हैं कि आपको हमेशा काम आएंगे। वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। और हाँ, यदि आप दुनिया की सभी प्रकार की जड़ी बूटियों की पहचान और उनके औषधीय फायदे जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल जंगली मेडिसिन YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और सभी प्रकार के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। इस वीडियो को लाइक कीजिए और देखते रहें। यह जो आप पेड़ देख रहे हैं, यह गुड़हल का पेड़ है और यह एक झाड़ीनुमा पेड़ होता है जो 15 फीट तक का ऊंचा हो जाता है और अधिकतर सभी लोग इसको पहचानते हैं। इस पर इस तरह के सुंदर फूल लगते हैं। इसके कई भेद होते हैं जो फूलों के आधार पर पहचाने जाते हैं, जैसे कि सफेद फूल वाला, पीले फूल वाला, लाल फूल वाला, नीले फूल वाला, दोहरे फूल वाला, सिंगल फूल वाला। इस प्रकार की कई प्रजातियां होती हैं, लेकिन जो लाल फूल वाला होता है वह अधिक देखा जाता है और औषधीय प्रयोग में भी लाल फूल वाले का अधिक प्रयोग किया जाता है। बाकी दूसरे रंगों के फूलों के भी औषधीय गुण लगभग समान ही होते हैं। यह पौधा अधिकतर मंदिरों के आसपास और बाग बगीचों में खूब लगाया जाता है। आयुर्वेद के अनुसार इसके काफी सारे औषधीय गुण होते हैं और अलग अलग क्षेत्रों में इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। हो सकता है आप इसे किसी और नाम से जानते हो, तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आप कौन से क्षेत्र में रहते हैं और इसको क्या नाम से जानते हैं। तो चलिए इसके कुछ औषधीय प्रयोग जानते हैं। इसके फूल गले से संबंधित रोगों को दूर करते हैं तथा गले का दर्द, कफ, खांसी तथा सर्दी जुकाम में इसके फूलों की चाय बनाकर पीने से विशेष लाभ होता है। इसके फूलों की चाय बनाने के लिए गुड़हल के एक दो फूल, काली मिर्च, अदरक, तुलसी के पत्ते और गुड़, इस प्रकार से मिश्रण से बनाई हुई चाय सर्दी जुखाम और गले के रोगों को ठीक करती है। गुड़हल की 4-5 कलियों को, जो इसके फूल खिलने की अवस्था में हो जाते हैं, वह इसकी कलियां कहलाती हैं। इसकी 4-5 कलियों को रोज सुबह सुबह खाली पेट खाने के बाद ऊपर से पानी पीने से महिलाओं में होने वाले सभी प्रकार के प्रदर रोग इससे ठीक हो जाते हैं। यह ल्यूकेरिया, श्वेत पानी, रक्त प्रदर आदि के लिए रामबाण दवा का काम करता है। गुड़हल के फूल बालों के लिए भी एक रामबाण दवा का काम करते हैं। यह बालों का झड़ना, असमय पकना और गंजापन जैसी समस्याओं में बहुत ही लाभकारी पाया गया है। इसके फूलों को उबाल कर उस पानी से सिर को धोने से बालों की समस्याएं दूर होती हैं तथा इसके पत्ते और फूलों को समान मात्रा में लेकर मेहंदी की तरह पेस्ट बनाकर बालों में लगाने से भी बालों की काफी सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। लोहा भस्म, आंवले का चूर्ण और गुड़हल के फूल, इन तीनों के मिश्रण से बनाए हुए पेस्ट को यदि बालों में नियमित रूप से लगाया जाए तो सफेद बाल पुनः काले होने लगते हैं। सिर में डैंड्रफ यानी कि रूसी हो जाने पर गुड़हल के फूलों के रस में बराबर मात्रा में तिल्ली का तेल मिलाकर सिर में मालिश करने से डैंड्रफ की समस्या खत्म हो जाती है। गौमूत्र में गुड़हल के फूलों को पीसकर यदि सिर पर मालिश की जाए तो गंजापन दूर होने लगता है। ल्यूकेरिया की समस्या को दूर करने के लिए एक बहुत ही अच्छा प्रयोग है, गुड़हल की 4-5 कलियों को घी में तलकर मिश्री मिलाकर सुबह सुबह खाली पेट 7-8 दिन तक नियमित खाने से और ऊपर से गाय का दूध पीने से ल्यूकेरिया की समस्या बिल्कुल ठीक हो जाती है। गुड़हल के फूलों में भरपूर मात्रा में आयरन पाया जाता है और गुड़हल के फूलों का नियमित सेवन करने से शरीर में खून की कमी दूर होती है तथा शारीरिक शक्ति भी बढ़ती है। बवासीर रोग दूर करने के लिए गुड़हल का पौधा बहुत ही अच्छा लाभ करता है। इसकी 4-5 कलियों को घी में तलकर मिश्री और नाक के सिर मिलाकर सुबह शाम कुछ दिनों तक सेवन कराने से बवासीर रोग ठीक हो जाता है तथा ये पेचिस में भी बहुत ही अच्छा लाभ करता है। ऐसा भी कहा जाता है कि पुराने से पुराने सफेद दाग को भी यह गुड़हल के फूल ठीक कर देते हैं। इसके लिए इसके लाल फूलों को नियमित खाने से कुछ ही महीनों में सफेद दाग की समस्या ठीक होने लगती है। गुड़हल के फूल पाचन संबंधी विकारों को भी दूर करते हैं। यह हृदय के लिए बहुत ही लाभकारी है तथा इसके फूल, कलियां, पत्ते और जड़ का औषधीय प्रयोग किया जाता है। तो आशा करते हैं आज की छोटी सी जानकारी आपके लिए लाभकारी रही होगी। आने वाले वीडियो में हम आपके लिए और भी काफी सारे औषधीय पौधों की जानकारी लेकर आने वाले हैं। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने सभी मित्रों के साथ शेयर करें। यदि आपके मन में किसी प्रकार का सवाल है या फिर आप इस पौधे के संबंध में कोई जानकारी देना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिर मिलते हैं आपको एक नई जानकारी के साथ एक नई वीडियो में। नमस्कार।